हाँ जी, राम राम जी। और कैसे हैं आप सभी? तो मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, खूब खूब स्वागत है। और आज है सैटरडे, शनिवार, और अभी सुबह का टाइम है। अभी सिर्फ 10 बजे हैं और इतना ज़्यादा धूप पड़ चुका है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और देखिए, एक बच्ची ना हमने अपने यहाँ पे नीचे चुगड़े को बांधी हुई है। बांधी तो क्या, ये तो खुली है आज की भी। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना ये, अगर इनको चुगड़े को कर देते हैं ना तो अच्छे से पेट भर लेते हैं अपना ये। और ये देखिए नैना क्या बनी हुई है आज, इसने ना सार्थक की पहनी हुई है ना, ये कैपरी सार्थक की, और इसको पहन के घूमी हुई है। और अभी मैं आई हूँ, जैसा कि मेरा रोज का काम आपको पता ही है, काउ शेड में। और पशुओं को बहुत ज़्यादा धूप लगी है। देखिए भैंस सोई हुई है, कितनी ज़्यादा धूप लग रही है इसको। इसको पता लगा है कि पानी पिलाने आ गई है हमारे को ये। और ये देखिए सारे जो छोटे बड़े बच्चे हैं, सभी सभी के सभी, देखिए सभी के सभी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं कि हमारी पानी पीने की बारी आने वाली है। और काउशेड का जो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है वो ऐसे है, मुझे ना काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही है, एक प्रांजल, प्रांजल जी हैं कोई, उन्होंने कहा है कि फुल फेस कवर होम क्लीनिंग का व्लॉग फिर से बनाओ। तो बहुत ही जल्द बनाऊंगी मैं, प्लीज़ टाइम दीजिए। क्योंकि पता क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की होती है। एक मेरी बहुत ही प्यारी रेगुलर व्यूवर हैं मेन कराठे जी, वो हमेशा मेरी वीडियोस वॉच करती हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं मुझे। तो उन्होंने भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो बोली है कि आप एक दिन केक बनाओ और उसकी रेसिपी, उसका व्लॉग डालो। तो मैं कर लेती हूँ पशुओं का काम, क्योंकि मैं आई हूँ काउशेड में। बहुत सारी अभी प्यास लगी है इनको, पशुओं को, और मेरी तरफ ही देख रहे हैं ये कि कब पानी पिलाएगी ये हमें। तो चलिए पानी पिलाती हूँ मैं और थोड़ा बहुत इनको स्नान भी कराऊंगी। तो देखिए गाइज, अभी लग गई हूँ मैं भैंस को नहलाने, और अब तो आपको मेरे डेली रूटीन में ये काम याद भी हो गया होगा, भैंस को नहलाने का, पानी पिलाने का। तो अभी देखिए भैंस को क्या होता है ना कि भैंस को नहाने की थोड़ी ज़्यादा ही आदत होती है, क्योंकि इनको गर्मी बहुत जल्दी लग जाती है और धूप होती है ना आजकल बहुत तेज़, तो इस वजह से भैंस को नहलाना ज़रूरी हो जाता है। और साथ में देखिए, मैंने जो एक गाय छोड़ी हुई थी यहाँ पे चुगने के लिए, सॉरी पानी पीने के लिए, ये ना इधर उधर भाग रही है। तो आजकल पशुओं को हरा दिखता है ना जो खेत में इधर उधर गेहूँ, उसके लिए पशु इधर उधर दौड़ते हैं। और मैं इसको पकड़ने की बहुत कोशिश कर रही थी, तो मैंने कैमरा में ना कम कैप्चर किया है, इसने मुझे बहुत भगाया इधर उधर। और यही नहीं, आज सारी की सारी गायें इधर उधर बहुत भाग रही थी हरा घास खाने के लिए, होती है ना ज़्यादा, और मस्ती सी भी आती है ना इनको, क्योंकि अभी मौसम खुल गया है, अब ठंड नहीं है ज़्यादा रही थी। तो अभी इसको मैंने यहाँ पे बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे पकड़ के बांधा था। और उसके बाद वो तो अच्छा है कि मैंने भैंस को पहले बांध के रखा हुआ था ना यहाँ पे खुरली के पास नलके में, तो भैंस नहीं भागी, वैसे भैंस इतनी भागती भी नहीं है। तो इसको बांधने के बाद फिर देखिए मैं आ गई थी भैंस को ले जाके, और उसकी जगह पर बांध दूँगी, और बाकी की जो गायें हैं उनको भी पानी पिला लूँगी। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक और कैंडिडेट भाग चुका है परे से, और आज तो इन्होंने सब ने दौड़ने का ही सोच रखा भी, आज दौड़ ही लगानी है। तेरे चुगना है, चुगने को चाह रही है ये, देखो हरी हरी घास लगने लगी है ना अब, तो गायें सोचती है कि हमने अब चुगना है। अरे कौन ले जाएगा चुगने को, सार्थक है मेरे पास यहाँ पे, आजा आजा, चल खुंडे पे ही डालूंगी, चल आजा आजा रानी। कितने अच्छे से अभी अच्छे से चुग रही है, देखिए दो जो छोटी दो बच्चे हैं वो मैंने नीचे को बांधे हुए हैं, और इसको यहाँ पे, और ये ना मैंने अभी खोले ही नहीं है, मैंने सोचा मैं क्या चलो ऐसे ही रहने देती हूँ कुछ दिनों के। बहुत सारा काम है अभी, बच्चों को नहलाना है। तो अभी आज मेरा जो ब्लॉग है वो दिन का ही आपको दिखने वाला है, दिन का ही दिखाऊंगी मैं। अभी सुबह का जो मेरा किचन का काम होता है ना वो सारा निपटा लिया, और उसके बाद बर्तन भी धो लिए, किचन को क्लीन भी कर ही लिया है, सिर्फ गैस साफ़ करने को रहती है मेरे। अभी मुझे बच्चे नहलाने हैं, और आज सैटरडे है क्योंकि, तो कपड़े भी नहीं धोऊंगी मैं, और ऐसे कभी इमरजेंसी होती है तो धो देती हूँ। तो अभी जो मेरे दो छोटे बच्चे रहते हैं ना पानी पिलाने को, उनको पिला देती हूँ। और ये देखिए, ये जो हमारे पुराने मकान है ना, इसके दरवाजे देखिए कितने सुंदर बेल बूटे इसमें निकले हुए हैं, बहुत पुराने टाइम से ये पता कम से कम 200 साल पुराना मकान है।
और उस टाइम ना इन दरवाज़ों को फिट करने के लिए कोई कब्जे वगैरह कुछ नहीं होते थे, तो जो पत्थर होता है ना पत्थर के उसमें बनाया गया है इसको फिट करने का। नाना बस मामा के एक बच्चा रहता है परे पानी पिलाने को ना, और दो बकरियाँ, मैं उनको घास डाल के आती हूँ, फिर दोनों को नहलाऊंगी, आपको भी साथ रखो भी, ठीक है। तो चलिए जो दो रहते हैं उनको पानी पिला लेती हूँ, पहले उसको देख लेती हूँ रानी को कि वो इधर उधर भाग तो नहीं रही है कहीं, वहाँ पे चुग रही है कि नहीं। आजा आजा ला, आजा बेटे, आजा रानी, आजा आजा, ये देखो परे से आवाज़ मार रही है, ये कहाँ ला, ऐसे करके बुलाते हैं हमारे पशुओं को, आजा ला 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 करके, पता नहीं पुराने टाइम से ऐसे ही बुलाते हैं, पहले जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो भी ऐसे ही बुलाते थे, हम भी ऐसे ही बुलाते हैं, पता नहीं सबके बुलाते होंगे ऐसे ही शायद। वो वहाँ चली गई है पीछे, तो चलिए चलती हूँ मैं गाँव शेड में। पशुओं का क्या होता है ना, देखिए पशु हमारे से कितनी आस लगा के रहते हैं कि ये हमें अच्छा अच्छा खाना देंगे, अच्छा अच्छा पानी देंगे, क्योंकि हमने इनको बांधा हुआ है। जब तो ये खुले होते हैं ना तो ये अपनी मर्जी से चुगते हैं, जो भी इन्होंने खाना होता है वो खा लेते हैं। और ये देखिए ए वाला रहा है छोटा बच्चा, यहाँ पर ये छुटकू रही हुई है, यहाँ पर देखिए खड़ी हो गई है, पहले सोई हुई थी अभी खड़ी हो गई है कि मेरी बारी कब आएगी। इसकी बारी आ चुकी है, अभी खोलती हूँ। तूने भी भागना है अब, चल। और चलिए बस ये रहती थी, और दो बकरियां हैं जो अंदर वो रहती हैं वहाँ पे, यहाँ पे पानी पी रही है अभी, देखिए इसको पानी पिला लेते हैं। और अभी पापा आए थे मेरे कल और वो जा चुके हैं वापस, तो मैंने ना उनका ज़्यादा शूट करके कुछ नहीं दिखाया व्लॉग, क्योंकि पता क्या होता है, देखिए ससुराल वालों की बात तो अलग है ना, और लेकिन मायके में भी पापा से बोलते हैं कि क्या फालतू काम है ये, हर वक्त फ़ोन हाथ में लेके और वीडियो शूट करते रहना, और ऐसे बोलते फालतू काम है, उससे अच्छा कोई और काम करो, घर का काम देखो अपना, तो ऐसे होता है। तो फिर मैंने ना ज़्यादा शूट नहीं किया, मैं क्या ऐसे ही फिर होता है ना, घर में भी बोलते हैं कि क्या फालतू काम है, अब इनको क्या पता है कि YouTube क्या है, क्या सोशल मीडिया है, और इससे क्या है कि इससे हम अर्निंग भी कर सकते हैं। तो अभी इनको पता नहीं, जब मेरी मतलब वहाँ से अर्निंग शुरू हो जाएगी ना, तो फिर तो मैं ये भी बोल सकती हूँ इनको कि मेरी अर्निंग आती है वहाँ से, इसलिए मैं बनाती हूँ ये वीडियोज़, सारा काम ये मैं करती हूँ, और ये भी एक काम ही है ब्लॉगिंग। तो अभी तो जब तक अर्निंग शुरू नहीं होती, और अभी तो बड़ा मुश्किल लग रहा है इस तरीके से, क्योंकि व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं गाइज़, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। व्यूज़ आएंगे ना तभी अर्निंग होगी, और बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, 100 व्यू, 150 व्यू, 200 व्यू, इससे तो कुछ भी नहीं होगा, हज़ारों में व्यू आएंगे तभी अर्निंग होगी। तो चलिए हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, पूरी मेहनत करती रहेंगे, और पूरा एफर्ट लगा रही हूँ मैं तो, जी जान से कर रही हूँ, और तो मैंने तो पूरा डेडिकेशन दिया है इसको, और अब पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, चलो जो भी होगा वो भगवान जी अच्छा ही करेंगे हमारे लिए, जो मेरे लिए सही होगा, जो मेरे लिए अच्छा होगा वही करेंगे भगवान, क्योंकि हम चाहते तो वो हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन भगवान हमें देते वही हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, मैं हमेशा यही बात सोचती हूँ। तो अगर उन्होंने ऐसा सोचा है कि कुछ भी जो सोचा होगा मेरे लिए। हाँ जी गाइस, तो अभी देखिए दिन में पशुओं को पानी वगैरह पिलाने के बाद, और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे वापस किचन में, मैंने जो बच्चों को नहलाना था उसको नहलाया, दोनों बच्चों को नहलाया, खुद भी नहाई, उसके बाद सबको खाना वगैरह दिया, बच्चों को सुलाया, अब तो उठ भी गया है सार्थक, और 3 बज चुके हैं शाम के। तो अभी मैंने सोचा कि चलो कुछ करती हूँ, मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आई हुई है, बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आई हुई है, एक मेनका राठी जी वो केक की रेसिपी डालने के लिए बोल रहे थे, चलो जैसा, तो मैंने सोचा कि चलो जैसा भी बनेगा उस तरह का मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। बहुत अच्छा तो नहीं बनता है, खाने के पर्पज़ से ऐसे ही घर में बनाना हो तो अच्छा होता है, लेकिन जैसे बाज़ार का होता है ना, क्रीम वगैरह सजाई हुई होती है उसमें, उतना अच्छा नहीं होगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बनाना, आज केक की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी बच्चे खेल रहे हैं इधर उधर, दिन में धूप में इतनी टेंशन नहीं होती है क्योंकि खेलते रहते हैं, तो चलिए करते हैं स्टार्ट।
तो देखिए गाइस, केक बनाने के लिए मैं जिस पतीले का यूज़ करने वाली हूँ वो है ये, और इस तरह से इसमें अच्छे से ढक्कन लग जाता है। तो चाहे तो इसमें हम नमक भी डाल सकते हैं नीचे, ताकि हमारा पतीला जले नहीं। और इसको ना 10 मिनट पहले ही प्री हीट करने के लिए लगाना होता है मीडियम फ्लेम पे। तो गैस को ऑन कर देती हूँ मैं और इसको लगा देती हूँ गर्म होने। तो चलिए देख लेते हैं कि केक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले देखिए, एक मैंने बाउल ले लिया है जिसमें हम केक बनाएंगे, और ये मैंने स्टील का पतीला लिया है, भगोना पतीला जो भी आप बोलते हो। तो इसमें मैंने डाल दिया 1 चम्मच ऑयल, और इसको मैं पूरे पतीले में स्प्रेड कर लूँगी, इधर उधर पूरे पतीले में अप्लाई कर लूँगी इसको। देखिए, तो हमारे पास बटर पेपर नहीं है ना, तो ये बटर पेपर का काम करेगा, तो इससे हमारा केक जो है वो केक टिन में ना चिपकेगा नहीं। तो अभी उसके बाद देखिए, मैंने आटा छिड़क लिया है इसमें। तो जी हाँ, मैं केक बिल्कुल शुद्ध गेहूं के आटे का बनाने वाली हूँ, और मैदा बहुत ही हानिकारक होता है सेहत के लिए, तो आटे से ही बनाऊंगी मैं। और देखिए, इसकी अच्छे से डस्टिंग कर ली है मैंने। उसके बाद जो रिफाइंड है उसको ले लिया है मैंने इसमें बाउल में, और 3-4 चम्मच लिए हैं शायद, आइडिया से लिए हैं, और 5-6 चम्मच मैंने ले लिए पीसी हुई चीनी के। तो मैं आइडिया से ही बनाती हूँ, अंदाजे से ही बनाती हूँ हमेशा, और परफेक्ट ही बनता है मीठा, कभी कम ज़्यादा हुआ नहीं है। तो कोई परफेक्ट वो नहीं हूँ मैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं ना जो भाई केक बनाने में, मतलब ऐसे कभी बना लेती हूँ। तो देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और उसके बाद देखिए, अगर आपको थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो दूध डाला मैंने इसमें, और अभी देखिए जो ये आटा है इसको डाल दिया है मैंने इसमें। इसको अच्छे से गूंदना है हमें, बिल्कुल एक जो लम्स फ्री बैटर बनाना है हमें, इसके लिए लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए इसमें। और गाढ़ा लगता है आपको तो आप फिर से दूध डाल सकते हैं इसमें, अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे पास था तो मैंने दूध ही डाला है, और इसको बस इसे अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में, हाँ ये इस बात का ध्यान रखना है कि एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, ताकि इसमें अच्छे से ना एरिएशन हो। और बस उसके बाद इसमें फ्लेवर के लिए मैंने डाला है देखिए कोको पाउडर। तो चॉकलेटी फ्लेवर वाला केक बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो इसलिए कोको पाउडर मैं हमेशा रखती हूँ घर में। तो कभी ना कभी बच्चे करते रहते हैं डिमांड कि मम्मी केक बनाओ, तो बना के खा लेते हैं। तो अभी देखिए, यहाँ पे इसको भी अच्छे से मिक्स करना है, साथ में देखिए सार्थक भी बैठा हुआ है। बच्चे के साथ ना बहुत मुश्किल हो जाती है वीडियो शूट करना, तो अभी यहाँ पे देखिए सारा का सारा सामान ना बाहर अंदर निकाल देगा अभी ये। तो काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आई हुई थी, मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था मुझे केक की रेसिपी का व्लॉग बनाइए। तो अभी देखिए, अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा, 1/2 चम्मच वनीला एसेंस। वैसे तो जो कोको पाउडर है चॉकलेटी फ्लेवर होता है, एक अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर है, लेकिन थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है वनीला एसेंस। और बस अभी इसको हम थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अभी देखिए, हमने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं डाला है जिससे इसमें बेकिंग हो, तो अभी मैं डालूँगी इसमें बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर डालूँगी मैं इसमें 2 चम्मच, और जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ ना, वॉइस ओवर तो मैं आई हूँ काउशेड में, आपको यहाँ पे गाय की आवाज़ भी इसलिए सुन रही होगी, इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो बेकिंग पाउडर को एक्टिवेट करने के लिए डाला देखिए मैंने इसमें, 1 नींबू था पूरा, मतलब 2 चम्मच नींबू का रस मैंने इसमें डाला है। और बस जब नींबू का रस इसमें डाल दें, उसके बाद इसको ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, बस थोड़ा सा मिक्स कर दिया देखिए, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें पूरे में ये बैटर में, बहुत ज़्यादा नहीं घुमाना है। और कैसे फूल रहा है बैटर देखिए, एक्टिवेट हो रहा है ना, क्योंकि बेकिंग पाउडर, कोई बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करेंगे हम इसमें, कुछ भी और यूज़ नहीं करेंगे। बस अब इसको हमें उल्टा देना है इसमें बर्तन में, जिसमें हमें पकाना है केक। तो अभी बैटर को देखिए मैंने इसमें डाल दिया है, अच्छे से डाल देंगे। और आप अगर चाहें तो इसमें टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं, या फिर चॉकलेट के चिप्स आते हैं वो भी डाल सकते हैं। भाई मेरे पास सिर्फ बादाम थे घर में, तो मैंने बादाम ही इसमें डाले हैं। ऐसे बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, जो हमारा पतीला है वो 10 मिनट से अच्छे से गर्म हो चुका था, और इसको 40 मिनट तक मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाया है केक को। और 40 मिनट से पहले मैंने एक बार 30 मिनट में भी चेक किया था, तो इसमें थोड़ी सी मुझे कसर लग रही थी। तो देखिए, 40 मिनट बाद कुछ इस तरह से बन के केक तैयार हो चुका है। देखिए कितना सॉफ्ट, और बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है हाथ में, तो केक को देख के पता चल जाता है कि वो अच्छे से बेक हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए इसकी शाइन, देखिए इसके ऊपर कितनी शाइन आई हुई है। और वैसे मैं कोई परफेक्ट बेकरी वाली नहीं हूँ, लेकिन
मतलब जितना मैंने थोड़ा सा बनाया है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि इस तरह से पता चल जाता है। और देखिए जो पतीला है ना उसको छोड़ दिया है केक ने, इधर उधर से चिपका हुआ नहीं है वहाँ पे, तो पता चल जाता है कि ये केक जो है अब अच्छे से बेक हो चुका है। और बस अभी इसको मैंने एक तिली से चेक किया था कि कहीं अंदर से कच्चा तो नहीं है, कच्चा नहीं है क्योंकि भगोने दोनों ही काफ़ी मोटे थे और इस पर अच्छे से बेक होता है इसलिए केक। तो अभी देखिए मैं एक नाइफ़ की सहायता से ना केक के जो ये किनारे हैं इनको छुड़ा लूँगी ताकि केक जो है अच्छे से डीमोल्ड हो जाए। तो एक प्लेट ली मैंने और उसके बाद देखिए इसको पलट दिया, तो पलटने के बाद केक हमारा देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो बहुत ही शानदार लग रहा था केक, थोड़ा सा टैप करने की ज़रूरत पड़ती है इसमें, थोड़ा सा टैप कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए इतना शानदार केक बनके तैयार हुआ है। और ये ना थोड़ा गर्म था तो क्योंकि धैर्य यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी मचा रहा था कि मम्मी जल्दी से खोलो जल्दी से खोलो, तो उस करके मैंने जल्दी डीमोट कर दिया। थोड़ा टाइम और रहने देना था, मतलब 2-3 मिनट और, तो ये अच्छे से ठंडा हो जाना था। आप देख रहे होंगे इसमें से भाप उड़ रही है, तो देखिए केक की जाली बता रही है कि कितना ज़्यादा स्पॉन्जी ये बना है और बिल्कुल बहुत ही मोटा, देखिए कितनी इसकी थिकनेस है। तो कोई मोल्ड की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ ये पतीले में बनाया है भगोने में। तो अभी मैं आपको ना काट के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है देखिए और कितना ईजीली ये कट रहा है। ऐसा नहीं है कि ये टुकड़े टुकड़े में टूट रहा है इधर उधर, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छे से इसके पीसेस हो रहे हैं। तो अगर आपको मेरी केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए कितना स्पॉन्ज केक है, मैं इसको दबा रही हूँ और ये फिर भी ऊपर उठ रहा है, तो एक पीस तो धैर्य ले भी गया है खाने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।